अच्छा कमर्शियल काम करना आजकल के दौर में, काम आपका अच्छा भी होना चाहिए और लोगों को पसंद आना चाहिए, इसकी मिसालें हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौजूद है। पसीना आता के हर ड्रामे का जो सेंट्रल लीड होती थी वो एक स्ट्रांग औरत होती थी, आप उनके सारे सीरियल याद कर रहे हैं, तो हसीना आप उसके बारे में भी कुछ बताइए। बच्चों में मैंने लिटरेचर पढ़ा था तो उसमें औरत को, हमारे यहाँ जो उर्दू लिटरेचर था उसमें बहुत ही कमजोर और मासूम दिखाया था, मासूम मैं कह सकती हूँ कि वो बेचारियाँ अपने शौहर की खिदमत करती थी, खाना पकाती थी, उन्हें पता था कि एक सौकन भी कहीं मौजूद है तो उसके लिए भी खाना पका के भेजती थी और सारी खिदमतें करती थी, और ये कहा जाता था कि कैसी अजीम औरत है, और वो मार भी खाती थी बेचारी। तो मैं अपनी वालदा से कहा करती थी कि अम्मा ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई औरत मार भी खाए और खिदमत भी कर रही है, पाँव भी दबा रही है। तो अम्मा कहती जब तुम बड़ी हो जाओगी तो पता चलेगा, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मुझे ये पता चला कि औरत चाहे तो मजबूत हो सकती है। मैं 19 साल की थी तब मैंने थिएटर शुरू किया था, स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ ही ग्रेजुएट हूँ वहाँ की और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फिर जर्मनी में जाके मैंने थिएटर पढ़ा और तब से लेके आज तक, अब मैं 71 साल की हूँ, मैं लगातार थिएटर कर रही हूँ। यानी क्या सबसे ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेट बात है, जो तकलीफ दे बात है, वो ये कि फौरी तौर के ऊपर सिर्फ ये नहीं है कि किसी गलत खबर को आइडेंटिफाई किया जाता है, बल्कि गद्दारी के, ब्लास्फेमी के और उससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो फतवे बैठकर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर किसी एक सहाफ़ी या चैनल के ऊपर जो है वो लगाया जाता है। सुन तो लेना सर, बात तो सुनने, इसी तरह प्रोग्राम होता है। लेकिन अब सहाफती तंजीमों में भी एक डेंटल एसोसिएशन बन गई है, एक नान भाई एसोसिएशन बन गई है, तो वो सहाफत तो हो नहीं रही ना। जुनैद साहब आप तो भी इसको इनिशिएटिव ले सकते हैं, सर आप चैनल के मालिक हैं, हम तो आपके खाते में, ठीक है ना। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप इन दोनों में से हैं, सर यू नो द गेम बेटर देन वी नो द गेम, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है मेरी चैनल, ओके। सहाफी जो तंजीमें हैं, पहले जो लोग होते थे जिनकी आपने मिसालें दी, वो बहुत अपने नजरिए पे बड़े कायम रहने वाले लोग होते थे, वो प्रोफेशनल एडिटर्स होते थे, वो हर चीफ मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से मिलने नहीं जाया करते थे। क्योंकि जो पाकिस्तान की हकीकत है, उधर तो खवातीन पुलिस टीम्स को लीड कर रही हैं, उधर तो खवातीन पायलट बन रही हैं, वजीर आजम कब की बन चुकी हैं, तो आप किस नैरेटिव में घूम गए हैं जहाँ पे बाबा बैठे हुए हैं और वो लड़की को समझा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी सेक्सिस्ट थिंग कि जी दुनिया होती क्या है, और वो आपकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है और सिर्फ ब्रेक अनाउंस करने के लिए बैठी हुई है। तो आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, आप सही कह रही हैं और उसको डिस्करेज करना चाहिए। मैं क्या मसाद का एजेंट हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। आप बॉस हालात टाइट है ना, तनख्वाही नहीं मिलती, कहीं से तो लिफाफा लेना होता है। मैं आप बता दूं, किसी भी आप न्यूज़ में जाए 90% लोग डिजिटली इलिटरेट हैं, ठीक है। वो यही नहीं पता कर सकते कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये क्या थल का है या राजस्थान का है या ब्राजील का है, हजार दफा मैंने ये चीज। तो द पॉइंट इज कि दिस इज द फ्यूचर, एंड रादर देन कि हम बात करें कि जी 70 की दिहाई में ये था, 80 की दिहाई में ये था, बिल्कुल था, बहुत अच्छा है, वो दिन गुजर गए, हम 2018 में बैठे हुए हैं, हम बात करें कि अगली दिहाई में क्या होगा। इसको तो छोड़ें, आपकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग हो या जरूरत है, होनी चाहिए, लेकिन भाई पढ़ना तो शुरू करो, अखबार को कम से कम पढ़ लो। जिंदगी के कुछ दिन लम्हे जैसे ठहरे हैं वफा के आसमां पर, इंतजार एक जलता बुझता थमथमाता सा चला। संजीदा बावकार सरापा हसीन दो, सो अपने शाह जी भी हैं ऐसे ही बेमिसाल, सो अपने शाह जी भी हैं ऐसे ही बेमिसाल, सदियों में पैदा होते हैं ऐसे जहीन लोग। और मैं एक थका हुआ इंसान और क्या करता, मैं एक थका हुआ इंसान और क्या करता, तरह तरह के तसव्वुर खुदा से बांध लिए, कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। अजीब लोग हैं ये खानदान इश्क के लोग,
کہ ہوتے جاتے ہیں قتل اور کم نہیں ہوتے کرو ختم جھگڑا نشا اپنا اپنا خودی اپنی اپنی خدا اپنا اپنا گویا کم کم ہے دید کا امکان گویا کم کم ہے دید کا امکان آرزو کی کلی نہیں کھلتی گر یہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے کم سے کم خواب دیکھ لیتا ہوں کیا مسئلہ ہے کم سے کم خواب دیکھ لیتا ہوں دن سے اچھی تو رات ہے میری کیا میری ذات پوچھتے ہو شعور کیا میری ذات پوچھتے ہو شعور آدمی ہوں یہ ذات ہے میری